हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग मेड इजी विद गुंजन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कितनी आसानी से आप अमरूद की जली घर पर ही बना सकती हैं, बिल्कुल बाज़ार की तरह। अमरूद की जली की रेसिपी मुझसे एक मेरे फ्रेंड यूट्यूबर हैं, बहुत छोटे हैं मुझसे, टेक्निकल ज़ियान जिनका चैनल है, तो उन्होंने मुझसे कहा था इस रेसिपी को डालने के लिए, तो मैं आज उन्हीं के उस पर इस रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं इसको और देखिए कितने आसान तरीके से इस जली को बनाया जा सकता है। अमरूद मैंने लिए हैं 750 ग्राम, ये बिल्कुल पके हुए अमरूद हैं। जब भी जली के लिए आप अमरूद छांटें तो आप देखें कि अमरूद पका हुआ होना चाहिए। इसका ऊपर और नीचे का हिस्सा निकाल लेते हैं, फिर बीच से कट कर लेते हैं। बीच से कट करने के बाद हाफ पोर्शन को भी बीच से कट कर लेते हैं। फिर इस तरीके से कट लगाते हुए छोटे छोटे से स्लाइसेस निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी अमरूदों को काट लिया है। मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ कि किस तरीके से अमरूद को काटें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है जली की तो मुझसे बताना ना भूलिएगा, मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए उसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, मैं उसको जल्दी से जल्दी ज़रूर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। आज मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बता रही हूँ। अमरूद जो आपने काट के रखे हैं उनको एक प्रेशर कुकर में डाल लें और पानी डाल दें। पानी इतना डालें कि सारे अमरूद जो कटे हुए हैं वो बिल्कुल डीप हो जाएं और इसको प्रेशर कर दें। प्रेशर करने के लिए आप इसमें 4 सीटी लगा दें और ये देखिए अच्छे से पक चुका है मेरा अमरूद। अब इसको हल्के हाथों से मैश कर दें और जब इसका प्रेशर निकल जाए तभी ढक्कन को खोलें। एक भगोना ले लें जिसमें आपको पकाना है। बर्तन आपका मोटी पेंदी का होना चाहिए जिससे भी नीचे से लगे ना। उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रख करके मैं इसको स्ट्रेन कर रही हूँ और सारा पानी स्ट्रेन हो जाने दें। छानने के बाद ये जो अमरूद का पानी निकला है इसको मैंने नापा तो ये 2 कप है। उसी अंदाज से मैं 2 कप चीनी इसमें डाल देती हूँ और इसको गैस पर मैंने चढ़ा दिया है भगोने को। और इसको कम से कम 25 मिनट के लिए मैंने फुल फ्लेम पे पकाया है। इसमें मैं 2 चम्मच नींबू का रस डाल देती हूँ। मैं थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ इसमें, एक चुटकी रेड फूड कलर है ये, जिसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। अगर आप जेली का ओरिजिनल कलर चाहती हैं तो इसको मत डालें। तो ये देखिए लगभग पक चुकी है ये जेली, इसको मैं अब चेक कर लेती हूँ। इसको मैं प्लेट पे थोड़ा सा ड्रॉप डाल देती हूँ और ये देखिए मैं प्लेट को टेढ़ा कर रही हूँ, ये पानी की तरह नहीं बह रहा है, थोड़ा सा जमा जमा सा है, इसके मतलब ये पक चुकी है। आप चाहें तो किसी कटोरी में पानी रख करके उसमें भी ड्रॉप डाल करके चेक कर सकती हैं। इसको मैं अब मैंने गैस बंद कर दी है और मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने देती हूँ और ये देखिए काफ़ी ठंडी हो चुकी है। तो जब ये हल्की गर्म रह जाए तभी इसको आप किसी कांच के जार में भर करके रख दें। तो देखिए कितनी आसानी से, कितनी जल्दी और कितनी अच्छी जली बन करके तैयार हुई, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जली बनी है ये। तो इसको रूम टेम्परेचर पे ही कम से कम 12 से 15 घंटे इसको छोड़ दें और अच्छे से तैयार हो जाएगी ये। ये देखिए मेरी जली बन करके तैयार हो गई है, इसको मैंने 15 घंटे के लिए रख दिया था। और अब मैं इसको ब्रेड पे लगा के दिखाती हूँ, आप देख सकती हैं कितनी ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल एक्यूरेट जेली बनी है। तो चलिए जल्दी जल्दी बेल बटन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले और मेरे वीडियोस देखने को मिले। थैंक यू, बाय फॉर वॉचिंग।